तो हमने देखा कि तालिबान काबुल संडे पहुंच गए थे, पर जिन्होंने गेट्स तब तक क्रॉस नहीं किए जब तक इनको दोहा से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, वो भी किसी को बिना बताए वो अपने क्लोज एड्स के साथ अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। 1990 में जब तालिबान आज से 20 साल पहले जब पावर में थे, तो हमने देखा उनका जो एक रवैया था विमेन की तरफ वो काफ़ी ख़राब था। बहुत से लोगों का मानना है कि जो तालिबान का जो मेन सपोर्ट है, जो इनको फिनेंशियल सपोर्ट है, एक जो इनका लीडरशिप है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। चेंज हमको लग रहा है ये असल में चेंज है या ये कुछ ऐसा चेंज है कि दुनिया को शायद बताने की कोशिश है कि हम बदल गए हैं। जोसेफ बाइडन का ये कहना कि हम वहाँ गए थे नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं, हम तो वहाँ आतंक खत्म करने गए थे, लेकिन वो चीज़ तो वो 20 साल पहले कर चुके थे। आज के वक्त में अगर हम बात करें तो ना सिर्फ दुनिया की बल्कि खासकर अगर बात करें तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स अगर हम कहें या हम जितनी भी आवाम है, वो सब चिंतित है एक देश के लिए जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है, वो है अफगानिस्तान, जिसका अब नाम बदलने की भी बात हो गई है और जिस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है उसका और तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, उन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों की जानकार सीनियर जर्नलिस्ट सिमरन सोंधी जी हैं। सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिमरन जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि जो तस्वीर हमने 1992 में देखी और जो तस्वीर अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, वो तस्वीर बहुत बदली हुई है और ये जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं और एक लेमैन अगर समझना चाहें तो आप इसे किस तरीके से समझाना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में पहली बात तो इसको एक स्मूथ ट्रांजिशन शायद हमको नहीं कहना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जब काबुल में तालिबान आए हैं तो कोई मतलब हमने कुछ खून नहीं देखा है, कोई किलिंग्स नहीं देखी हैं, पर अगर हम बाकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो बाकी जब वो गए हैं, कांदाहार गए हैं या बाकी पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान गए हैं, तो वहाँ पर हुई हैं किलिंग्स जो हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं और ये अफगान फोर्सेस ने ज़्यादा फाइट बैक नहीं किया है, पर फिर भी हम मानते हैं कि जो एक ये ट्रांजिशन हम जिसको मान रहे हैं ये इतना भी स्मूथ नहीं है, क्योंकि दोहा में अभी टॉक्स चल रहे हैं और दोहा में टॉक्स यही था कि कैसे सरकार बदली जाएगी। तो हमने देखा कि तालिबान काबुल संडे पहुंच गए थे, पर जिन्होंने गेट्स तब तक क्रॉस नहीं किए जब तक इनको दोहा से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो इन्होंने एक कोशिश की है कि जो इमेज है दुनिया के सामने वो एक स्मूथ ट्रांजिशन की आए, लेकिन जो असल में हम देखते हैं, हमने जो एयरपोर्ट में बाद में देखा कैसे लोग पैनिक मोड में भाग रहे हैं या बाकी अफगानिस्तान में जो हम लोगों को देख रहे हैं उसके पीछे एक थ्रेट लेवल है, लोग घबराए हुए हैं और इनका जो एक ट्रांजिशन हुआ है वो काफ़ी क्वेश्चंस खड़े करता है। हम देखते हैं जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, वो भी किसी को बिना बताए वो अपने क्लोज एड्स के साथ अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम मानते हैं कि ये ट्रांजिशन इतना ही स्मूथ था तो अशरफ घानी को वहाँ रुकना चाहिए था और ये जो एक प्रोसेस है वो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, तो पीछे क्या डील हुई है, क्या वजह थी, वो चीज़ें अभी हमारे सामने इतनी क्लियर नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिमरन जी आपसे ये भी ज़रूर समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें वहाँ की महिलाओं की, वहाँ के बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न उनको लेके उठ रहा है और बार बार ये बात कही जा रही है, जो रिपोर्ट्स जिस तरीके से आ रही हैं सोशल मीडिया की बात करें या न्यूज़ एजेंसीज़ की बात करें, कि कितनी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं जो अब ये कह रही हैं कि उन्हें अपनी जितनी भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसे उनको जलाकर खाक करना पड़ेगा, अपनी सारी जो प्रेजेंस है वो मिटानी पड़ेगी, लेकिन उसके विपरीत तालिबान के स्पोक्सपर्सन का जिस तरीके से बयान आता है, वो एक न्यूज़ चैनल में बैठकर एक महिला एंकर को से बात करते हैं, फिर शरिया के तहत उन्हें गवर्नमेंट में इन्विटेशन भी दिया जा रहा है और ये बार बार कहा जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शरिया के तहत होगा जो कुछ भी होगा और आने वाले वक्त में डिसाइड किया जाएगा, जब नई सरकार बनेगी तब डिसाइड किया जाएगा कि इस देश में जो कानून होंगे उसका प्रारूप क्या होगा। इसको अगर हम समझना चाहें या वहाँ की महिलाओं के लिहाज से या जो देश भर में आवाम है जो ये जानना चाहती है कि अब वहाँ के लोगों का क्या होगा? देखिए, ये एक सवाल है जो हम सब डिबेट कर रहे हैं और किसी को इसका जवाब अभी मालूम नहीं है। हमने जो 1990 में जब तालिबान आज से 20 साल पहले जब पावर में थे, तो हमने देखा उनका जो एक रवैया था विमेन की तरफ वो काफ़ी ख़राब था। एक
कि आप बिल्कुल बुरके में बाहर निकलिए, एजुकेशन अलाउड नहीं था, वो पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है कल रात को, जो काबुल में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया है, उसमें हमको उनका एक डिफरेंट चेहरा दिखा है, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि हम विमेन को अलाउ करेंगे कि जो औरतें हैं वो पढ़ाई भी कर सकती हैं, काम भी कर सकती हैं, पर हर कुछ शरिया के अंडर होगा। अब ये एक बड़ा एक ब्रॉड और एक बड़ा जनरल सा टर्म है ना, कि हम शरिया के अंडर करेंगे, पर शरिया के अंडर आप क्या अलाउ करेंगे और क्या अलाउ नहीं करेंगे, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और हमने ये भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विमेन जर्नलिस्ट थे वो भी थे, CNN की जर्नलिस्ट बैठी हुई थी, बाकी उनकी अपनी अफगान जर्नलिस्ट भी थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि हर किसी ने जो अपना एक गेटअप है वो थोड़ा बदला था, हर किसी ने अपना सर कवर किया था, जो पहले अफगानिस्तान में इतना ज़रूरी नहीं माना जाता था। और जो एक जनरल परसेप्शन है, अगर हम किसी से बात करें जो अफगानिस्तान रहकर आया है या जो रिफ्यूजी इंडिया में है, तो एक डर है कि जो तालिबान है इनका जो रवैया है विमेन की तरफ वो बहुत नेगेटिव है। और ये जो इन्होंने हमेशा कहा है कि जो विमेन है घर से जैसे बाहर नहीं निकल सकती जब तक इनके साथ इनका कोई मेल मेंबर नहीं हो, आपके फादर हैं या आपका भाई है या आपका हस्बैंड है, तो अकेले आप निकल नहीं सकते। तो ये सब मुद्दों की अभी हमको क्लैरिटी नहीं है और ये हमको वक्त के साथ ही पता लगेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर सिमरन जी एक और सवाल, भारत के लिहाज से अगर हम बात करें, तालिबान में जो भी गतिविधियाँ बन रही हैं और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान, चाइना, रशिया का अगर हम जो टेक है वो देखें, तो भारत के लिहाज से सुरक्षा के मायनों में ये कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मेरे ख्याल में इस समय हमारे लिए जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी का ही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान के जो हम कहते हैं जहाँ अफगानिस्तान देश के बॉर्डर मिलते हैं, ये पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, और आसपास जो देश हैं जैसे चीन है, रशिया है, इन सब का अपना अपना एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। भारत का भी बहुत सालों से इंटरेस्ट रहा है, पिछले 20 सालों में हमने बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, सड़कें बनाई हैं, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जिसमें आज तालिबान बैठे हैं वो भी भारत सरकार ने बनाया है, तो हमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा किया है। उसके पीछे हमारा सिक्योरिटी रीज़न है और उसके पीछे एक रीज़न पाकिस्तान भी है। बहुत से लोगों का मानना है कि जो तालिबान का जो मेन सपोर्ट है, जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट है, एक जो इनका लीडरशिप है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि पाकिस्तान अगर कंट्रोल करता है कल को अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान की बात सुनते हैं, तो हमारे लिए एक जो जिसको हम कहते हैं आतंक का जो एक मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा टेरेन है, हिली इलाका है, वहाँ से हमको अगर सेफ्टी नहीं फील होती और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आज चीन के साथ भी हमारी टेंशन्स बनी हुई हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो जाएगा। यहाँ पर सिमरन जी एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, तालिबान बार बार ये ज़रूर कह रहा है या उनके स्पोक्स पर्सन जो भी सामने आ रहे हैं वो एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी धरती का इस्तेमाल किसी भी और देश के खिलाफ इस्तेमाल में नहीं लाने दिया जाएगा, लेकिन जब हम बाकी तस्वीरें देखते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो अफगानी हैं, जो वहाँ पे बसे हुए हैं, जो उन्हें अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं, जो हमने एयरपोर्ट में तस्वीरें देखी अभी कुछ दिन पहले, और वो आप ये कहिए कि कितना ज़्यादा खौफ था कि लोग ये जानते हुए भी कि अगर वो एक प्लेन से लटक कर जाएंगे तो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, और हमने वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी देखी जहां पर कुछ लोग गिरते हुए नजर आए और अपने आप को बांधते हुए नजर आए, ये जो सारी तस्वीरें हैं ये ज़रूर ये बयां कर रही हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत टेंशन भरा हो सकता है, और जहां तक जो वहां भारतीय बसे हुए हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक अगर वहाँ से वापसी की बात की जाए तो 1600 के करीब लोगों ने आवेदन किया है वापस आने के लिए। देखिए, ये मेरे ख्याल में सारे जो अफगानिस्तान के लोग हैं एक अनसर्टेनिटी है, ये मालूम नहीं है अभी तक कि जो तालिबान जो हमने 90 में इनका जो रूप देखा था वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं भयानक रूप था, बिकॉज इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया वो बहुत स्ट्रिक्ट था, औरतों पे जुल्म हुए, वैसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ देश में, तो हमको मानना ये है कि अफगानिस्तान शायद वक्त में पीछे चला गया जब 90 में इन लोगों ने रूल किया। 20 साल के बाद तालिबान फिर वापस आए हैं, जैसा आपने कहा एयरपोर्ट पे हमने देखा कैसे लोग जहाज़ों के साथ लटके थे, उसमें शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको याद है कि जब 90 में तालिबान का रूल था
तो कितना मुश्किल था आम आदमी के लिए जीना, तो वो शायद इस चीज़ का रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि वो दोबारा से ऐसी ज़िंदगी जिए, तो एक डेस्परेशन है बाहर निकलने की। दूसरी बात यह है कि तालिबान ने कभी भी इस चीज़ का कोई मतलब डाउट नहीं किया है कि अफगानिस्तान को वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ही बनाएंगे, एक इस्लामिक एमिरेट ही बनाएंगे, तो उसका मतलब है कि वो जो शरिया का कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब जो भारत के लोग हैं, स्पेशली जो लोग मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं या सिख हैं, जिनका धर्म इस्लाम नहीं है, उनके लिए ये एक और भी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपके लिए किसी और का धर्म फॉलो करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस विषय में हमने देखा है कि भारत ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, हमने एक ई वीज़ा फैसिलिटी खोली है कि अफगान नेशनल्स अपना ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत ने ये भी कहा है कि जो सिख फैमिलीज़ है, हिंदू फैमिलीज़ हैं, उनको हम एज रेफ्यूजीज़ लेना चाहते हैं, और भारत इस चीज़ में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। तो हमने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन फिर वही बात है कि तालिबान का हमने जो 90 में रूप देखा है और जो कल रात को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, वो बहुत अलग है। और ये सिर्फ हमको वक्त ही बताएगा कि ये जो चेंज हमको लग रहा है ये असल में चेंज है या ये कुछ ऐसा चेंज है कि दुनिया को शायद बताने की कोशिश है कि हम बदल गए हैं, पर असल में बदलाव है कि नहीं, ये हमको आगे आने वाले 5-6 महीने ही बताएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब जो निगाहें थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, या फिर ये कहें कि जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था एक के बाद एक और कितनी जल्दी ये सब कुछ बढ़ता गया, तो सबकी निगाहें वर्ल्ड लीडर्स पर थी, खासकर हमारे ही राष्ट्रपति पर थी। लेकिन उनका बयान जिस तरीके से आता है, क्लियर कट उन्होंने बयान दिया है कि देश निर्माण कभी भी एजेंडा नहीं था, जो काम करना था वो किया, और अब अपनी अमेरिकी फोर्सेस को वहां से वापस लाना ही एक बेहतर विकल्प था। 4 राष्ट्रपति देख चुके हैं, अब वो नहीं चाहते कि आने वाले राष्ट्रपति के वक्त भी ये सब चलता रहे। तो ऐसे में अभी भी बार बार अपील वर्ल्ड लीडर्स से की जा रही है, लेकिन जब जो बाइडेन इस तरीके का बयान देते हैं और क्लियर मैसेज कन्वे करते हैं, तो इसके लिए हम अब अफगानिस्तान के जो आवाम हैं, जो लोग हैं, वो अब किस तरफ जाएं? देखिए, जो बाइडेन ने अपना स्पीच भी दिया है, उन्होंने उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत निंदा हुई है उनकी इस डिसीशन की, पर वो अपने स्टैंड पर काफ़ी फर्मली खड़े हैं, वो मानते हैं कि जो उन्होंने किया है सही किया है। पर ये अगर हम गहराई में देखें तो ये फरवरी 2020 में जब उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ, और एक हमको लगता था कि ये एग्रीमेंट ऐसा है कि ये विदड्रॉल का एग्रीमेंट है और तालिबान कुछ कंडीशंस पर मानेंगे कि हम शांति रखेंगे और अफगानिस्तान को फिर वो नहीं बनाएंगे जो 90 में बना है। पर अब जो हम देख रहे हैं वो हमको बिल्कुल अलग चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका का जो कंसर्न था वो यही था कि हम अपने एम्बेसी के लोग और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को निकाल लें और बाकी फिर जो अफगानिस्तान की किस्मत है वो अफगान लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। तो असल मुद्दा ये है कि जोसेफ बाइडेन का ये कहना कि हम वहाँ गए थे नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं, हम तो वहाँ आतंक खत्म करने गए थे, लेकिन वो चीज़ तो वो 20 साल पहले कर चुके थे। तो अगर यही मुद्दा था तो आप 20 साल क्यों रुके? तो सवाल ये भी उठता है, तो अलकायदा को तो आपने बहुत देर पहले खत्म कर दिया था, अब तो अलकायदा का कुछ नामो निशान भी नहीं है। पर अगर हम दूसरी पिक्चर देखें तो अब डर ये है कि अगर तालिबान वापस आया है तो इससे शायद अलकायदा दोबारा से जिंदा हो जाए। तो एक्चुअली उनका जो लॉजिक है जोसेफ बाइडेन का, वो उल्टा ही पड़ रहा है हमारे लिए। जी, यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने को मिली है सिमरन जी, वो ये देखने को मिली है कि अभी हाल में ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, तालिबानी लड़ाकों के सामने खड़ी हुई हैं और प्रोटेस्ट के बैनर्स और पैम्फलेट्स लेके खड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब वो वक्त है कि, क्योंकि इन 20 सालों में वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, महिलाएं बाहर निकली हैं, वहाँ पर जो है लोकल इलेक्शंस भी लड़े हैं, उन जगहों पर भी वहाँ की महिलाएं नज़र आई हैं, तो वो जो चेंज हर जगह होता है कि जब कुछ आगे बढ़ना होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो एक लड़ाई करनी पड़ती है, एक जंग लड़नी पड़ती है, वहाँ की महिलाएं इस कदर स्ट्रांग हुई हैं इन 20 सालों में कि वो सामने आ रही हैं? देखिए, मैं इस चीज़ में नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है, देखिए, जो स्टेट का प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो अगर पिछले 20 साल में हमने अफगानिस्तान में एक सरकार देखी जो विमेन के प्रो थी, उन्होंने इंकरेज किया कि जो महिलाएं हैं ये स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं,
ये अशरफ घानी की सरकार में बैठे और ये लीडरशिप के रोल ले, तो ये सरकार की बहुत बड़ी इंकरेजमेंट रही औरतों के लिए। और हमने देखा कि महिलाएं घर से निकली, उन्होंने पोजीशंस ली, जर्नलिस्ट निकली, लेकिन इसमें स्टेट का एक प्रोटेक्शन रहा, क्योंकि जो अफगानिस्तान में सरकार रही जब अमेरिका के ट्रूप्स वहां रहे तो उन्होंने इस चीज को इंकरेज किया है। अब तालिबान आ गए और जैसा आपने कहा कि हमने देखा कि महिलाएं निकल के प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि एक डर है, एक डर है कि जो 20 साल में तरक्की हुई है वो सब खत्म हो जाएगी और हम फिर वापस चले जाएंगे 1990 में, जब औरतों को इस बात की आज़ादी नहीं थी कि वो स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं या वो किसी भी पोजिशन में बैठ सकती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, जो सरकार है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर तालिबान की सरकार ये महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं देती है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं, एक्चुअली चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं, तो महिलाओं के लिए आगे आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि वो लोग खुद आएं अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी। अगर कहीं वो कहते हैं कि शरिया के अंडर महिलाएं पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होल्ड करेंगी, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी महिला के लिए, चाहे वो कितनी ही क्वालिफाइड हो ये करना। जी, आखिर में मेरा आपसे यही सवाल है सिमरन जी, कि आने वाले कुछ दिनों में आप, या फिर कहीं कुछ महीनों में, आपने विदेशी मामलों में खूब रिसर्च किया हुआ है, खूब स्टडी की हुई है, आने वाले कुछ महीनों में आप क्या डेवलपमेंट या फिर ये कहें कि क्या चेंज देखेंगी इन सब में, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कुछ बदल सकता है? देखिए, मुझे लगता है इस समय हम सब में बड़ी अनसर्टेनिटी है, हमको किसी को क्लैरिटी नहीं हो रही है कि अफगानिस्तान का जो फेस है आज से 3 या 4 महीने के बाद कैसा लगेगा। जो हमने 90 में देखा, जो हमने कल रात को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उसमें हमने काफ़ी फ़र्क देखा। पर मेरे ख्याल में एक चीज़ हम सबको बहुत क्लियर होना चाहिए कि तालिबान, चाहे वो 1990 का हो या आज का हो, ये लोगों ने इस चीज़ से कभी इनकार नहीं किया है कि ये अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट ही बनाना चाहते हैं, शरिया का कानून ही चलेगा। तो ये चीज़ तो साफ जाहिर है कि चीज़ें बदलेंगी। जो हमने पिछले 20 साल में जो आज़ादी देखी, जो महिलाओं की आज़ादी देखी, जनरली जो हमने मीडिया की आज़ादी देखी या एक प्रॉस्पेरिटी देखी, वो चीज़ कम होगी, क्योंकि जहां हम शरिया का लॉ लगाएंगे उस कानून के अकॉर्डिंग हर चीज़ चलेगी, तो रिलीजियस माइनॉरिटी, आपका जो बोलने की फ्रीडम है, तो वो सब चीज़ें कम होंगी। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये जो शरिया का लॉ है इसको ये कितनी सख्ती से लगाते हैं या थोड़ी सख्ती कम करते हैं, मेरे ख्याल में अंतर इतना ही होगा। शरिया के अंडर जो चीज़ें हैं वो टाइट होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, और हम महिलाओं को भी देखेंगे कि हम पब्लिक लाइफ से वो थोड़ा विदड्रॉ करेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसा होना शुरू भी हो गया जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन सोदी जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो अब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फोरम में या फिर जिस तरीके की जो गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार अफगानिस्तान का भविष्य क्या रहने वाला है।